आप देख रहे हैं मिडकैप कैप मंत्रा और बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे कैसे रह सकते हैं नंबर्स बताने के लिए आशीष शर्मा है हमारे साथ बताइए आशीष हाय जी हाँ बाजार बंद होने के बाद नंबर्स और नोटिस किया आपने पिछले एक महीने में स्टॉक में बहुत बढ़िया मूव दस का ऑलमोस्ट उछाल और अपने जो अब तक के बावन हफ्तों के हाइस थे दो के उससे महज चार साढ़े दूर आपको ये स्टॉक अब नजर आएगा जहां तक Q3 परफॉर्मेंस की बात है तिमाही दर तिमाही इसका आकलन होता है और एक्सपेक्टेड है कि आए तिमाही दर तिमाही आठ परसेंट जंप करके ढाई लाख करोड़ रुपए पे, पे पहुंचती हुई नजर आएगी हां इबीटा इस दौरान जो कंसोलिडेटेड इबिटा है एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियली फ्लैटिश रहेगा और मुनाफा बढ़कर सत्रह हजार आठ सौ करोड़ रुपए पहुंचता हुआ नजर आएगा अब सेगमेंट की परफॉर्मेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखिए क्वार्टर थ्री एक्सपेक्टेड है ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए एक कमजोर तिमाही रहेगी तो फिर इसके केस में भी जो इसका ओटीसी धंधा है थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा पर ओटीसी की वीकनेस पूरी तरह से ऑफसेट होगी रिटेल और साथ साथ रिलायंस जियो में जो स्टेबिलिटी नजर आएगी जहां तक जियो की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तिमाही दर तिमाही उसका बीटा जो है चार परसेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा जियो इस बार करीब बारह मिलियन नेट सब्सक्राइबर एडिशन दिखाएगा बारह मिलियन मतलब करोड़ और में भी एक नजर आएगा वन एट्टी टू रुपीज से वन एट्टी थ्री रुपीज का आरपू शायद आपको देखने को मिले जहां तक रिटेल की बात है एक्सपेक्ट करिए उसका भी बीटा करीब पांच परसेंट क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होगा क्यू थ्री वो पीरियड था जब फेस्टिव सीजन था फेस्टिव डिमांड थी तो इंक्रीज फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे और कुछ हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनके फेवर में प्ले कर रहा होगा नजर कहां रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट वो जो 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई थी पिछहत्तर हजार करोड़ रुपए के न्यू एनर्जी बिजनेस में उसमें और क्या लाइट शेड होती है इस बार वो इंपॉर्टेंट रिटेल के स्टोर एडिशंस में किस तरह का प्लान है किस तरह के एडिशंस के टारगेट्स हैं उस पर फोकस होगा और साथ साथ टेलीकॉम में प्राइसिंग एक्शन वो एक की मॉनिटरेबल होने वाला है ओवरऑल अच्छे नतीजे और खास तौर पे जियो और रिटेल में स्टेबिलिटी हाईलाइट होगी इस क्वार्टर की शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर नजर रहेगी शाम को ये नंबर्स आएंगे तब एक्चुअल डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे लेकिन एक्सपेक्टेशन जो आशीष ने अभी शेयर की लेकिन आगे बढ़ेंगे खिलण नंबर वन का अपडेट अब लेकर आते हैं वेब स्ट्रैटेजी डॉट कॉम के आशीष क्या लाइन डे बाई कैपिटल के ब्रिजेशल और एंजल वन के इससे सेट के विषय मुकाबला चल रहा है बाजार बंद होने पर विनर की अनाउंसमेंट होगी लेकिन सो फार जो अपडेट्स हैं वो दिखा देते हैं पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड अपडेट्स Uh, क्या है आशीष क्याल ने स्वान एनर्जी से प्रॉफिट बुक किया 570 के लेवल्स पर एक नया ट्रेड जो ऐड कर रहे हैं वो है सीई इन्फो 2250 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है 1970 है, है. का स्टॉप लॉस आप रखिए 2015 जीरो मौजूदा लेवल्स है स्नेहा का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं नया ट्रेड जो ऐड करी हुआ है, है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदारी की सलाह दी जा रही है यहाँ पर इकतीस सौ पच्चीस के लक्ष्य के लिए टू नाइन फाइव नाइन का स्टॉप लॉस रखना है थ्री जीरो टू टू के लेवल्स पर फिलहाल ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में फिलहाल की रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो लीड कर रहे हैं अब ब्रिजेश और स्नेहा हालांकि दोनों में ही मार्जिनल डिफरेंस है ब्रिजेश अल का पोर्टफोलियो नाइन पॉइंट वन टू परसेंट स्नेहा का पोर्टफोलियो नाइन परसेंट और साथ ही आशीष कल का पोर्टफोलियो सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट रिटर्न लैंड कर रहा है यह रहा अपडेट इसी के साथ एक ब्रेक ब्रेक के बाद देखिए नोया कंपनी नोया कंपनी में बातचीत करेंगे एस बी सी एक्सपोर्ट के एम डी गोविंद जी गुप्ता से एक ब्रेक के बाद नमस्कार